शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश में वुमेन बॉक्सिंग का कभी प्रचलन नहीं था, यहाँ तक कि वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में पहली बार होस्ट किया जा रहा है। सारी तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। सर, एक सवाल, सर, एक सवाल। ओके, पूछिए। मिस्टर आदित्य आपके अंडर काफी दिनों बाद काम कर रहे हैं। 96 में आप दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, तो इस वक्त आप दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? उस वक्त कहाँ सुनी हुई थी हमारी, फिर उसने सॉरी बोल दिया तो बस मैं भी भूल गया। लेकिन सर, आदित्य शायद नहीं भूले। क्या आप ये नहीं जानते कि वो कितने आलसी और कामचोर हैं? वो कोच तो अच्छे हैं लेकिन तत्पर नहीं रहते, बैड एटीट्यूड। देखिए, जो जीवन में सफल नहीं हो पाते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें छोड़िए, मैं हूं ना यहाँ, जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। भारत की इतनी आबादी में सिर्फ 4-5 चैंपियंस क्यों है? क्या टैलेंट की कमी है क्या? अरे थोड़ा धीरज तो रखिए, पिछले साल हमने 2 ब्रॉन्ज जीते थे और इस साल भी पक्का। अगर बॉक्सर्स को राजनीति के अलावा बॉक्सिंग रिंग में उतारा जाए तो हमें हर गली से, हर नुक्कड़ से एक चैंपियन मिल सकता है। आदि, प्रेस के सामने डिसिप्लिन मेंटेन करो। उंगली नीचे, मैं झूठा नहीं हूँ जो डर जाऊँ, मुझे इन कैमरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर आदि, आपको क्या लगता है, क्या ये चैंपियनशिप हम जीत पाएंगे? मुझे लगता नहीं, पूरा यकीन। अगर सिलेक्शन और ट्रेनिंग में धांधली नहीं हुई तो हम जरूर झंडे गाड़ेंगे। मिस्टर आदि, सुना है कि आपको प्यार से बात करना नहीं आता, तो आप लड़कियों की टीम कैसे हैंडल कर पाएंगे? लड़कियां आपकी तरह नाजुक नहीं। क्या सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तुम सवाल कैसा कर रहे? आपको औरतों के बारे में बात करने की तमीज नहीं है। पहले इंसानों की तरह बात करना सीखो, फिर इंसानियत की बात करना। सर यहाँ देखिए, प्लीज सर, एक सवाल, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज प्लीज। शादी ये हमें कैसा कोच मिल गया है यार, दिल्ली की सर्दी में सुबह के 4 बजे उठा दिया राक्षस ने। मास्टर आ गया, मास्टर आ गया, उठो उठो जल्दी उठो, जल्दी करना। हट, अगर 70 पुशअप्स करने की औकात होती तो सीधे ओलंपिक्स में पहुंच जाती। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझसे नजरें मिलाओ, देखो मुझे, देखो, चलो जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सुबह से कितने पुशअप्स किए बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आने में देर क्यों हुई? फीवर हो गया था सर, 102 डिग्री, पूरा बॉडी दुख रहा था। अब तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। 36, 37, 38. बॉक्सिंग के लिए दिल में जुनून है तो ही आना यहाँ। टाइम पास करने वालों के पीछे वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं मुझे। Learn to be the best or get the hell out of here. सर, आपको कमेटी रूम में बुलाया गया है सर। ये भी कहा होगा कि अर्जेंट है। आपको कैसे पता सर? ऐसे फटीचरों से मेरा पाला पड़ता ही रहता है। स्टूडेंट्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट है। अभी कॉमेडी का मूड नहीं है, पॉइंट पे आइए। पॉइंट यह है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती आपको सस्पेंड किया जाता है। ये झूठी कहानियां गढ़ना बंद करो और मुद्दे पे आ जाओ। कितनी अकड़ है इसमें, ऊपर से मीटिंग में पी कर आए हो? क्या पता था कि मैं पिया हुआ हूं तो मीटिंग क्यों रखी? बकवास बोलो, क्या बोलना है? लड़कियां तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती, ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर में भी लड़कियां आती हैं। मेरी जाती जिंदगी से आपको क्या लेना देना? मेरी बीवी चली गई और मेरा बॉक्सिंग का करियर खत्म हो गया सिर्फ तुम्हारी पॉलिटिक्स की वजह से। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी रहूं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स से और कुछ नहीं, समझे? मैं उनका सिलेक्शन बेडरूम की परफॉर्मेंस पे नहीं, बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस पे करता हूं। छी, कितना घटिया सवाल पूछ रहे मुझसे। कटघरे में तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए, 4 निकम्मों को इतने बड़े ओहदे पे। अभी ये कमेटी मीटिंग है, जाओ चले बेचो, जाओ। देव, इस पेपर पर किसी भी बॉक्सर के साइन नहीं है, बिना किसी सबूत के तुम सस्पेंड कैसे कर सकते हो? आप ही की रिपोर्ट की वजह से हमने इसे इतने दिनों तक झेला है, ठीक है, हम इसे सस्पेंड नहीं करते, लेकिन क्या करूं, मुझे भी तो अपने सीनियर्स को जवाब देना पड़ेगा ना।
वाइजैक में ट्रांसफर कर देते हैं। वाइजैक में वहाँ जाके क्या करेगा, वहाँ ना बॉक्सर है ना फैसिलिटीज, अभी हमारे बेस्ट कोचेस में से एक है सर। इसीलिए तो वहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ अच्छे कोच की जरूरत है। यहाँ तो वैसे बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं, आप भी जानते हैं आदि की खासियत। ये आदमी तो कोयले की खान से हीरा निकालने वालों में से है। तो 20 साल पहले ही मार देना चाहिए था, बॉक्सिंग की काया पलट जाती। लेकिन तू चाहे जो भी कर ले, मैं इस देश की गली गली से चैंपियन ढूंढ के लाऊंगा। तू चाहे मुझे कहीं भी भेज दे, मैं चैंपियन बनाऊंगा और तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। अरे यहाँ से ये सारी प्लेट्स हटाओ, हमने सोचा था कि वो आएंगे, कितनी तैयारियां की उनके स्वागत के लिए, सारे पैसे बर्बाद हो गए, समय भी बर्बाद हो गया। ओह आदि सर आप आ गए, आइए। कितनी लंबी उम्र है आपकी, मैं बस अभी अभी आप ही की तारीफ कर रहा था, आपका हमारे शहर में स्वागत है। सर वैसे आप 3 दिन लेट हैं, हमने कितनी तैयारियां की थी, स्टूडेंट्स आपका इंतजार करके थक गए, बस अभी अभी घर गए हैं वो। बॉक्सिंग का महारथी? हाँ। ये सब क्या चल रहा है? ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है सर, हमारे यहाँ बिना पोस्टर के कोई भी जश्न नहीं मनाते, शादी से लेकर जन्मदिन, सुहाग रात, मुंडन, बरसी, चाहे कुछ भी हो, हर एक अवसर के लिए हम पोस्टर बनवाते ही हैं, तभी जश्न सफल होता है। आप हमारे शहर पहली बार आ रहे हैं, आपका स्वागत तो हमें करना ही था ना। हाँ अरे देखिए ना, इन सब बकवास में मैं अपना नाम भी बताना भूल गया, मैं हूँ पांडू रंगा राव और लोग मुझे बुलाते हैं पॉन्ड्स, पंच पॉइंट्स। अभी मैं जूनियर कोच। ऐसी हरकतें करोगे तो जिंदगी भर जूनियर कोच ही बने रहोगे ना, समझ गए? चलिए सर मैं आपको अपने चैंपियन से मिलवाता हूँ। इधर आओ। सर मैं आपको अपनी बच्चियों से मिलवाता हूँ। गायत्री यहाँ आओ। जाओ जाओ। सर मिलवाने तो देते। ये गायत्री शॉर्ट पुट प्लेयर, पिछले 5 साल से बॉक्सिंग में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने पता नहीं कितने कोच को सीढ़ी बनाया होगा। ये अंगीरा पिछले 2 साल से बॉक्सिंग कर रही है, 2014 में जब ये टूर्नामेंट हार गई थी तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। ये ऐसी ही है बुजदिल, ये बॉक्सिंग करने के लायक नहीं है, एक बॉक्सर वाला जुनून या फायर नहीं है इनके अंदर। अब आप आ गए ना सर, देखते हैं क्या चमत्कार होता है, आपको देखते ही सबके अंदर आग आ जाएगी। मेरा मतलब सर सब में वो बात आ जाएगी। क्या सर मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स की बुराई कर रहे हैं आप? सर मेरे स्टूडेंट्स जी जान से मेहनत करते हैं, उनकी बुराई मत करिए आप। फेडरेशन से खाना कहाँ मिलता है, पहले वो सब सुविधाएं दीजिए, फिर वो आग पानी सब मिल जाएगा आपको। हा? सर मैं आपको अपनी स्टार फाइटर से मिलवाता हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी पुलिस की नौकरी पाने के लिए पिछले 8 सालों से बॉक्सिंग कर रही है, बॉक्सिंग उसका पैशन नहीं बल्कि मजबूरी है। या कोई भी ऐसा है जो बॉक्सिंग के लिए बॉक्सिंग करता हो? सारे बेकार है। रश्मि थोड़ा आराम से चलाना, रश्मि आराम से चलाना। क्या कर रही है तू? रश्मि आराम से चलाना, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों आदि, यहाँ की व्यवस्था तो अच्छी लगी ना? नेक्स्ट बॉक्सर रिंग में आ जाइए। अरे ऐसी क्या देख रहे हो, मुझे नहीं पहचाना, सफलता की सीढ़ी वाला कोच। अरे इतने सीरियस क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? शहर में कसाई की दुकान कहाँ जानता है तू? वैसे पता तो नहीं है लेकिन लगा लूंगा। गलती से भी जाना मत वहाँ। क्यों? मीट की शॉर्टेज हो गई तो तेरे बदन से मीट निकाल लेंगे, खुद को बहुत बड़ा कोच समझ रहा है, पंचिंग बैग जैसा पेट है तेरा, चल निकाल। बड़ा है यार। लक्ष्मी रेड विजय ब्लू नेक्स्ट राउंड बॉक्स। हाँ लक्ष्मी हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी करो, क्या कर रही हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं सकता, बहुत बढ़िया कर रही हो, मारो उसे, बिल्कुल ऐसे ही मारो। सब बकवास, मेरी बहन सुपरस्टार है। अवार्ड नंबर 2 पॉइंट्स के बिना पे जीत घोषित की जा रही है, ब्लू इज द विनर। ये क्या बात हुई? ए रेफरी, ये क्या, ये सरासर हो सकता है, ये गलत है सर, ये गलत है रश्मि। देख तू चिंता मत कर, मैं उसे फोड़ के आती हूँ। ये तो चीटिंग है सर, कुछ करिए ना। चलिए मेरे साथ चलिए। सुनो लक्ष्मी, सर जी आप कुछ करिए ना, ये तो सरासर गलत है ना। तुम ही हो ना यहाँ के कोच, यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो ना, पोज क्यों मार रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके पापा एसोसिएशन के मेंबर है, लेकिन लक्ष्मी वो तो एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देगी, पहले उसे बॉक्सिंग सिखाओ
फिर बात करते हैं ना। सर ये गलत बात है, उसने अच्छा खेला था, आपने खुद देखा था सर। अरे बकवास फाइट थी, बॉक्सिंग का मजाक था ही, लड़ना आता नहीं घर में बैठ के चूल्हा चौका करने को। चल हट रस्ते से, तुझे जान से मार डालूंगी। हाँ कितनी घूस खाई तूने, तुझे और मैं छोड़ूंगी नहीं। रश्मि अब तू नहीं बचेगा। रश्मि छोड़ो, से बात सुनो मेरी, कहा ना बात सुनो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आराम से बात करते हैं। पक्का तेरी तो बेमान कहीं का। सर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करिए, इनकी मदद करिए सर प्लीज। मैं इनकी मदद क्यों करूं, मेरे पास तो वैसे ही टाइम की कमी। इस लड़की की वजह से लक्ष्मी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। सुनो जूनियर, मेरी घंटी बज रही है। बॉक्सिंग और बीवी, यही तो पूरी दुनिया है। मैंने अपनी बीवी को छोड़ के कभी किसी की ओर नहीं झांका। 96 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी बीवी सपने देखा करती थी। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आराम से निकल गया, लेकिन वो घटिया इंसान देव खत्री, उसने कुछ पॉलिटिक्स किया और ओलंपिक्स में मेरी जगह किसी और को भेज दिया। घटिया आदमी है। और बस ओलंपिक गोल्ड का सपना टूट गया। अरे बाप रे, बॉक्सिंग करियर भी खत्म हो गया और मेरी बीवी भी तोड़ के भाग गई। कितनी दुख भरी दास्तान है सर। ए, मेरी बीवी भागी कि तेरी? ये औरतें भी ना। हाँ ये औरतें ना, इनको सही 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 बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है तू एकदम। नहीं मानेगी तब तक तू, तमीज लड़की बास नहीं आएगी। कुछ मदद करे तो, ये वही लड़ाकू मुर्गी है। मुर्गी नहीं लड़की है ये। अरे लड़ाई का क्या मजा अगर हम बीच में घुस गए, देखना वो खुद ही लड़ेगी भिड़ेगी और खुद को छुड़ाएगी। पुलिस आ गई, चलिए चलिए सर यहाँ से चलिए। बड़ा मजा आ रहा है यार। नहीं जब आपसे कहा तब आपने माना नहीं, पता नहीं आपके दिमाग की बत्ती इतनी देर से क्यों जलती है। टमाटर ताजा है, मुझे पागल समझता है क्या? सब समझ क्यों तेरे इरादे? ए, तेरे को क्या हुआ? लड़कियों को तो सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए है ना? ए, घूर मत, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी। चल निकल, अब क्या फ्री में लोगी? इससे कम नहीं होगा। ओए, ओए। बॉक्सिंग कहाँ सीखी तुमने? तेरे से मतलब? तुम्हारा मास्टर कौन है? ओए, लाइन मार रहे हो क्या? बुड्ढा कहेगा चल हट। मैंने पूछा बॉक्सिंग कहाँ सीखी? ए, एक ही बात कितनी बार पूछेगा? सठिया गए हो क्या? क्या उम्र है तेरी? 80 या 90? हाँ? अरे नहीं, अरे सुनिए,
सुन, धंधे के टाइम में ना दिमाग मत खराब कर, चल निकल। अब बता कहाँ सीखी बॉक्सिंग तुम? पैसे देकर मुझे पटाया जा रहा है, एक ही कंडीशन में बताऊंगी। क्या कंडीशन? इस नोट को मोड़ के अपनी पूंछ बना के पूरे बाजार में घूम फिर बताऊंगी। चल जा। कल से ट्रेनिंग के लिए आना शुरू कर दो, रोज सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, और रोज के 500 रुपए ले लेना। ओए सुन, ए अली, मोहम्मद अली से सीखा है मैंने, तितली जैसी फुर्ती है और मधुमक्खी जैसा डंक है। ए कल से आना तो नहा के आना, नहीं तो तुम्हारे बदन की बदबू से ही सब नॉकआउट हो जाएंगे। लक्ष्मी लक्ष्मी, ये देख ये देख। क्या रे, पूरी जायदाद बेच के आई है क्या? अरे नहीं नहीं, वो पागल कोच है ना, अरे जो नया आया है, उसने मुझे रोज के 500 रुपए देने का वादा किया है। छिछोरा कहीं का, मार डालूंगी मैं उसे। अरे अरे, गलत वजह से नहीं, ट्रेनिंग के लिए। कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं होने वाली, तुम जानती नहीं हो उस आदी को, एक नंबर का ठरकी है, मैं बता रही हूँ ना तुझे, बहुत बुरा है वो। उसने अगर पास आने की कोशिश की तो फोड़ दूंगी, तू मुझे जानती नहीं है क्या? रोज के 500 रुपए मिलेंगे लक्ष्मी, जरा सोच के देख, कब से हमारी माँ बेचारी एक ही साड़ी पहनी हुई है, उसके लिए नई साड़ी ले लेंगे और तेरे लिए नए जूते। हाँ। और हम चिकन करी भी बना के खाएंगे, कितने दिन हो गए। इतने सारे पैसे, वापस दे। क्या बात है मेरी बेटी, बेटी बेटी नहीं, नाम लेके बोला। कहीं का पैसे, चुप रह, बाप से ऐसे बात करते हैं? मैंने तुझे क्या यही सिखाया? सीख इसे, कभी आवारों की तरह बात करते देखा इसे? बिल्कुल मुझ पे नहीं है, और तू मेरे पैसे वापस कर, अपनी माँ पे नहीं है, चिल्लाती रहती है 24 घंटे, जा अपनी माँ की इज्जत तो कर। देखो सुरेश, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पैसे दे। कौन सुरेश? मेरा नाम सैमुअल है, सलमन सैमुअल, सुना तुमने? हे भगवान, अब क्या अपना धर्म भी बदल लोगे तुम? भगवान, इस मूर्ख महिला को नहीं पता कि ये क्या कर रही है, इसे माफ कर दे। माफ करते, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारा नाम बदल गया है, रेजिना कैसेंड्रा है, समझी? और बेटा तुम भी अपना नाम बदल लो, कैटरीना टेरेसा कर लो, और फिर जीसस से प्रार्थना करो, याद करो। अरे वापस कर, अरे वापस कर, बात को कोई मारता है? अरे पति को मार रही है, रुक तो जाओ। अरे ये क्या, दरवाजा क्यों खुला पड़ा है? कहीं कोई चोर तो अंदर नहीं घुस गया? ए चोर, कहाँ है, सामने आ। चलो मैं टाइम पर पहुंच गया, मुझे लगा मुझे देरी हो जाएगी, लेकिन आप क्यों जल्दी आ गए? जूनियर कोच हूं ना मैं सर, सीनियर के आने से पहले सब तैयार रखना पड़ता है ना। चलो कल तक तो इनमें से एक भी इन्हें बॉक्सर नहीं लग रहा था, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है। ए लक्ष्मी, ए टाइम क्या हो रहा है? लेट हो गई। और लेट आने की वजह? अब वजह बताती फिरूं क्या? ए मैं बेवकूफ हूं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूं? तुम्हारे रोज के 4 घंटे मेरे हैं, डेली टाइम पे आना होगा तुम्हें, और सपने में भी मास्टर के पुकारना मुझे, एक भी रूल तोड़ा तो टांग तोड़ दूंगा। ये क्या है? इसके लिए तो जा सकती हूँ ना, या इसके लिए भी कोई रूल बना के रखा है? क्या पहले वार्म अप कर। एक पागल दूसरे पागल को दे रहा है ट्रेनिंग, बॉक्सिंग का भविष्य अंधकार में है, निकल। क्या करूं? तुम्हारे शूज कहाँ? एक मिनट रुकिए। मास्टर बोल। हाँ हाँ वही। लक्ष्मी जरा अपने शूज दे, अभी वापस करती हूँ। चल जल्दी कर। तुम लोग जरा बाहर जाना। बॉक्सिंग में कितनी तरह के पंचेस होते हैं?
क्यों, तेरे को नहीं पता? चलो बोलो। ए, दूर से बात कर, ये पंच और किक्स मैं बचपन से जानती हूँ। अली, मोहम्मद अली से सीखा मैंने। ओए, उसके सारे के सारे फाइट्स देखती हूँ मैं। और उसने क्या सिखा है? पंचेस तो मौके पे तय होते हैं, किसको पीट रही हूँ, क्यों पीट रही हूँ, उस हिसाब से पूरे 30 तरह के सारे बॉक्सिंग पंच लगा दो जब तक कि सामने वाला मात ना हो जाए। स्टेप, क्रॉस, हुड, अपरकट, सिर्फ यही चार पंचेस होते हैं बॉक्सिंग में। हाँ हाँ पता है, बस नाम नहीं जानती हूँ। अच्छा चलो दिखाओ मुझे। बॉक्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि जो सामने है उसे धो दो, पावर का सही इस्तेमाल करना होता है। दूर से बात कर, टच करने का नहीं। हाँ चल। ए, एक बात ध्यान से सुन ले, तुझे छूने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ क्यों नहीं, और दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हें छूने के लिए मर रही हैं। गुरु आजकल दाढ़ी रंगने के लिए भी कलर्स आते हैं, ट्राई करके देखना। संतोष। मास्टर। पहले डिफेंड करना फिर अटैक करना, चल दिखा अपनी टेक्निक। तू गया। चलो उठ, ये गली नुक्कड़ के टपोरियों की फाइट नहीं है, रुक जा, उठ। ये बॉक्सिंग रिंग है, या शरीर, आंखें, हाथ, दिमाग सबका इस्तेमाल एक साथ करना पड़ता है, समझ गई? जाके पुशअप कर। नहीं करूंगी, अभी अभी 50 किए थे ना। यहाँ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने आई है या गिनती गिनवाने? 50 क्या होता है? डू अंटिल यू डाई, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मोहम्मद अली के, तेरे गुरु के। या गुरु भूल गए क्या? कहाँ जा रही है? भूल गए क्या, डील सिर्फ 2 घंटे की हुई थी और समय चाहिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ हाँ अब मैं चलती हूँ। ए काम करो, चलो क्या टाइम पास कर रहे हो, चलो उधर चलो। ए लक्ष्मी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आदि को कोई नई बॉक्सर मिल गई है? वो कोई बॉक्सर वॉक्सर नहीं है, चौल में रहने वाली एक भाजी बेचने वाली है, वो अपने पैसे खर्च करके ट्रेनिंग दिला रहा है उसे, वो उसके पैसे भी लेती है और उसकी बेइज्जती भी करती है। क्या कहूँ सर, अच्छा मजाक चल रहा है। मजाक चल रहा है या क्या चल रहा है ये सब मुझे बिल्कुल नहीं सुना है, तुम बस उन पर लगातार नजर रखो। ओके ओके। कल मैंने तेरा 1 घंटा वेट किया तो आज मैं लेट आई हूँ पूरा 1 घंटा। क्यों, कैसा लग रहा है? हाँ हाँ क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो, आज सुबह सुबह चढ़ा ली क्या? हाँ ये अपने सफेद बाल या दाढ़ी की वजह से बुड्ढे लगते हो, फिर भी हंसते हुए अच्छे दिखते हो। चलो एक बार फिर से हंस के दिखाओ। अब जाए यहाँ से। ए लक्ष्मी कम यहाँ। मास्टर 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हो ना, शर्म करो, सीखो उससे, इंटरेस्ट नहीं तो गाने सुनो या फेसबुक खेलो।
लक्ष्मी, अगर मास्टर मुझे भी स्पेशल ट्रेनिंग देते तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक पाता। तू बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है लक्ष्मी, वो भी जानता है ये बात। चिंता ना कर, तुझे अच्छी ट्रेनिंग देंगे वो, तू एक दिन चैंपियन जरूर बनेगी। चलो अब खाओ। मैं कह रही हूँ ना, चिंता मत कर, अब खाओ इसे। मन नहीं है, माँ को दे दूंगी। मेरी उम्र वैसे भी अब 24 की हो गई है। पुलिस में जॉब पाने के लिए ये आखिरी साल है रश्मि। मुरली, मुझे एक लड़की मिली। तुम्हें याद है हम जब पहली बार मिले थे तो तुमने मेरे बारे में क्या कहा था? वो मुझसे भी हजार गुना बेहतर है। जब मैं उसका जज्बा देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। तुम्हारे जैसी है वो, पहले उससे छुटकारा पालो वरना मर जाओगे। अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ ये सब। She is a better boxer than me. Superb hand speed. Defense भी कमाल का है। उसके पैरों में डांसरों वाली फुर्ती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुरली, वो पैदाइशी चैंपियन है। इतने सालों में पहली बार किसी बॉक्सर की तारीफ कर रहे हो तुम। इस लड़की को तैयार करो, यही चैंपियनशिप के लिए जाएगी। देव का किस्सा मैं संभाल लूंगा। तुम इस महीने आ रहे हो, समझे? फेडरेशन कप में मैंने उसका नाम लिखवा दिया, तुम आओगे ना? डोंट वरी। सर, आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान है, बहुत ही गिरे हुए हैं, आपका कोई जमीर ही नहीं है। मैं सोचा करता था आपके बारे में कितना गलत था मैं सर। आप लड़कियों का टैलेंट देखकर सिलेक्ट करते हैं, उनके शरीर को देखकर नहीं। सल्यूट सर। अबे, मेरी तारीफ कर रही है, बुराई कर रहा है क्या? सर कमाल है, हद हो गई। मैंने बुराई की तो आप समझे नहीं, अब तारीफ कर रहा हूँ तो आपको बुराई लग रही है। सच्चाई का तो सच में अब जमाना ही नहीं है। एक प्लेट लीवर लेके आया। अरे बुड्ढे आदमी, कितना लीवर खाएगा, मरना है क्या? हेल्थ के लिए सर, हेल्थ के लिए। ए, जल्दी लेके आ। आपको मैं राज की बात बताता हूँ, सुनिए। जितना पियेंगे उतना लीवर खराब होता है, लेकिन अगर ये लीवर खाते हुए पियेंगे तो इसकी तो बलि, लेकिन अपना लीवर सेफ। सही कहा ना, आप भी खाइए हेल्थ के लिए। क्या हुआ? मार ना। ए, खड़ी क्या है? ए रश्मि, मार मुझे। कितनी बार कहा गार्ड्स नीचे मत करो, हिम्मत है तो आगे बढ़, मार मुझे। रश्मि, मार ना। गुरु, देखा ना, लेफ्ट लेफ्ट साउथ शॉट, मोहम्मद अली सर नॉकआउट, जीत गई मैं। चलो, हट हट। किसके परमिशन से गार्ड नीचे किया? हाँ, तू कोई मोहम्मद अली नहीं है कि गेम के बीच में राइट लेफ्ट शिफ्ट करे। बेवकूफी करना छोड़ और गेम के रूल सीख। अगर एक और बार हाथ लगाया ना तो हाथ काट के मछलियों को खिला दूंगी। तमीज से पेशा, मैं कोच हूँ तेरा। तू और तेरी कोचिंग नहीं चाहिए मुझे। अब क्या करेगा हाँ? और पैसे का लालच देगा? अपनी बहन के साथ यहाँ से दफा हो जा और उसे कह देना कि तेरी वजह से उसकी पुलिस की नौकरी गई। चल निकल यहाँ से, गेट लॉस्ट। रश्मि, रश्मि सर, गरीब घर की लड़कियां हैं सर, घर में भी परेशान यहाँ भी परेशान। थोड़ा आप प्यार से पेश आएंगे ना सर, तो मेरा विश्वास करिए, वो लड़कियां बहुत। अगर दोबारा मेरी ट्रेनिंग में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो तेरा सर फोड़ दूंगा। क्या कह रहा तू? उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ, ऐसा किया तो वो बॉक्सर नहीं तेरी तरह गंदगी साफ करने का काम करेगी। हाँ सर, मेरी औकात तो है ही टुच्ची, लेकिन औकात का पता जुबान से चलता है, और आपकी जुबान तो छिछिप, मैंने आप जैसा निर्दयी इंसान आज तक नहीं देखा। आज से एसोसिएशन का कभी तुम्हारा मकसद होना चाहिए। तुम सब वही खाओगे और करोगे जो मैं कहूंगा। हर रोज 8 घंटे की ट्रेनिंग, घर पर प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी दुनियादारी सब छोड़कर सिर्फ ट्रेनिंग की बात सोचनी है। Is that clear? अपनी बहन के साथ यहाँ से दफा हो जा और उसे कह देना कि तेरी वजह से उसकी पुलिस की नौकरी गई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। कम ऑन, कम ऑन। अगली मैच है रेड में लक्ष्मी और ब्लू में प्रगति, फर्स्ट राउंड। ओके ओके, गो बॉक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कम ऑन, मारो मारो उसे।
ना इसे। आज की विजेता है रेड में लक्ष्मी। ये क्या बात है लक्ष्मी, कमाल कर दिया। अब तो तू नेक्स्ट राउंड में जाएगी। हाँ। है ना? हाँ? अब तू देखना। क्या देखती जा, मैं क्या करती हूँ। मास्टर ग्लूकोज की पेमेंट। ये लो। थैंक यू सर। ओके। अगले बॉक्सर्स रिंग में आ जाए। सब देख रहा हूँ, फिर से तुम अपना पैसा दान करने लग गए हो। पैसे की सेविंग करो, काम आएंगे। रिटायरमेंट के बाद कोई तुम्हारी देखभाल के लिए नहीं आएगा। छोटे बच्चे को तो लोग गोद भी ले लेते हैं, लेकिन तुम बूढ़े हो जाओगे तो कोई गोद नहीं लेगा। सही कहा। शुरू करते हैं रामेश्वरी ग्रुप फर्स्ट राउंड। वो सब छोड़ना, अब देखती जा, तुझे ट्रेनिंग देगा। याद रखो, ये तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी बॉक्सर है, भगा दो उसे। मुझे रश्मि की जरूरत है। मैं अगले हफ्ते नेशनल सिलेक्शन के लिए धर्मशाला जा रहा हूँ। मैं आपकी दोनों बेटियों को ले जाऊंगा। कौन है ये चॉकलेटी? क्या इसके रंग की वजह से तुमने इसे अपने लिए पसंद किया है? अरे चुप, ये हमारे लक्स के कोच है। ये हमारी बेटियों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मुझे ये मंजूर नहीं है। पूरी जिंदगी में मैंने कभी पैंट नहीं पहनी। हाँ, मेरी बेटी जरूर पैंट पहनकर घूमती है, इसीलिए उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता है। अगर मैंने उन्हें तुम्हारे साथ भेज दिया और उनका चेहरा बिगड़ गया तो उनके लिए लड़का कहाँ ढूंढता फिरूंगा? कोई पसंद नहीं करेगा उन्हें। चले जाओ यहाँ से। देखिए बहन जी, मैंने अपना काम कर दिया। वो दोबारा मेरा ट्रांसफर इस शहर से कर देंगे, फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। धर्मशाला में सिलेक्शन के बाद उन्हें हिसार ले जाऊंगा। वो दोनों अच्छी बॉक्सर्स हैं, आप उन्हें मेरे साथ भेजिए। उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी। क्या? अगर रश्मि चली गई तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हमें पैसा कौन देगा? तुम दोगे मुझे पैसा? बताओ। हर महीने इसी तरह देता रहूंगा। मुझे दे दो, घर मुझे ही चलाना होता है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। गॉड ब्लेस यू। वो यहाँ पर क्या करने आया था? मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? वो तुम दोनों को हॉस्टल ले जाना चाहता है, अच्छी ट्रेनिंग देना चाहता है। उसके साथ हॉस्टल जाऊँ? मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाओगी? हाँ, इतने दिनों से हर चीज में समझौता किया तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग के लिए, अब तुम पीछे मत हटो। अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई तो पुलिस जॉब लगेगी, हम इस गंदी बस्ती से बाहर निकलेंगे, इज्जत से जिएंगे। वो अकेले नहीं जाएगी, तू उसके साथ जाएगी, समझी? वो लड़का बहुत अच्छा है। अभी के लिए इतना ही है मेरे दोस्त, मैं और दे दूंगा बाद। क्या लगता है पैसों से खरीद लेगा तू हमें? हाँ, तूने मेरे माँ बाप को पैसे दिए क्योंकि तेरे इरादे गलत थे, यही है ना तेरी प्लानिंग? बोल, समझता क्या तू अपने आप को? रख अपने पैसे, चला आया हमें खरीदने। लड़की को बाहर निकालो, निकालो से बाहर। चल 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 बाहर, चल बाहर, चल। तो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, बाहर चल, बाहर चल, बाहर निकालो, भगाओ इसे, दोबारा नजर मत आना। क्या कर रही है, क्या कर रही है? बताइए किसकी बाइक है? छोड़। मैं सब समझ
समझती हूँ, ये तेरी नहीं उसकी बाइक है। ये मेरी मोटरसाइकिल है। तेरी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे, समझ गई तू? और इसने पैसे नहीं चुकाए इसलिए इसने बाइक मुझे दे दी, तू जैसे पागल की वजह से। अगर इसे कोई नुकसान हुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बुलाऊं क्या? परेश भाई आप जाने दो उसे, ये लो। मैं जानता हूं तुम्हें बॉक्सिंग से नफरत और मुझे तुमसे भी ज्यादा है, सच है। लेकिन एक और कड़वा सच है, और पता है वो क्या है? उनके जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें लगता होगा कि उसके इरादे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसे लड़की ही चाहिए होती तो उसने जितना तुम दोनों पर अब तक खर्च किया है उसमें उसे एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाती, पता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एसोसिएशन क्या एक भी रुपया अपनी जेब से खाने और इक्विपमेंट के लिए नहीं दे रही है? उसके अकाउंट में जितने भी रुपए थे उसने सब लगा दिए हैं। हमें तुम में बस एक भाजी वाली दिखती थी, लेकिन उसे देखो, उसने तुम्हारे अंदर एक टैलेंट पहचाना और उस टैलेंट पे विश्वास भी किया। ये मौका हाथ से मत जाने दो। छूने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे कि दुनिया की सारी लड़कियां तुझे छूना चाहती हैं। सर एक सवाल पूछना है आपसे, आपकी प्रेरणा कौन है, मोहम्मद अली या टाइसन? जंगिस खान। ओ, पाकिस्तानी बॉक्सर, हेवीवेट। ओ भाई सुन, हर खान पाकिस्तानी नहीं होता, वो मंगोलिया का राजा था। जंगिस खान मंगोलियन था। बिल्कुल बौना था वो, लेकिन उसका जज्बा शेर का था। पूरे एशिया को उसने चुटकियों में जीत लिया, लेकिन यूरोप को जीतने में तकलीफ हुई। उनके सारे सैनिक जंगिस खान से दुगने लंबे थे, हथियारों से लैस। उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन जंगिस खान एक बात जानता था कि जंग को जीतने के लिए या तो शत्रु के हथियार तबाह करो या फिर अपने हथियार मजबूत करो। बंदे ने दोनों काम कर लिए। उसने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे शत्रु के हथियार नष्ट किए जा सके। वो डर का नाटक करते हुए उनसे लड़ रहा था। वो डर के घोड़े पर भागा और अचानक मुड़ा और अच्छे से एंगल जमाया और बाणों की वर्षा कर दी। दुश्मन चारों खाने चित हो गए। क्या स्ट्रैटेजी थी, अगर हम दुश्मनों का हथियार नष्ट कर देंगे तो वो कर ही क्या पाएगा। सुपर्ब। लेकिन उसका बॉक्सिंग के साथ क्या लेना सर? जिस दिन ये समझ जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं वापस हिसार जा, वर्ल्ड कप के लिए एक प्लेयर अपने साथ ले जा सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके लक्ष्मी, पूरे जोश के साथ। थैंक यू मास्टर। ओके ऑल द बेस्ट। देखो रश्मि, नाम खराब मत करना, खूब अच्छे से लड़ना। रेड में है लक्ष्मी और ब्लू में है अंजू। फर्स्ट राउंड बॉक्स। स्टॉप स्टॉप टू द कॉर्नर। और इसके साथ ब्लू को पॉइंट्स दिए गए हैं। विजेता है ब्लू।
चिंता मत कर लक्ष्मी, रो मत। सेकंड्स आउट, थर्ड राउंड, बॉक्स। तुम यहां क्या कर रही हो? ये फिश करी है, मैंने आपके लिए बनाई। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? अपने ट्रैक्स पहनो और रिंग में 5 मिनट में पहुंच जाओ। क्यों, मैं सुंदर नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम पसीने से लथपथ होके रिंग में लड़ती हो ना, तभी तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। चलो अब, कम ऑन, कम ऑन, कम 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 कम। बकवास मत करो, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। आई लव यू गुरु। क्या कहा? आई लव यू। तुम्हें क्या लगता है, एक स्टूडेंट से मैं ये सब पहली बार सुन रहा हूँ क्या? ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता रहता है। अब चलो। तुम ही तो हमेशा कहते हो कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। हे गुरु। रश्मि, अपने जज्बात काबू में रखो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बाप की उम्र के बहुत लोगों को जानती हूँ। क्या मैं सबको प्रपोज करती फिरती हूँ? अब क्या कर सकती हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक तो मैं लड़की होके तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। जब मुझे किसी बात का डर नहीं तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हारी लाइफ में वैसे भी कोई नहीं है, तो मुझे अपना लो, मेरी बात मान जाओ, वरना कल का मैच हार जाऊंगी। हाँ, बेवकूफ, नेशनल सिलेक्शन को मजाक समझा, बॉक्सिंग पे ध्यान दे, कपड़े बदलो और प्रैक्टिस शुरू कर। गुरु, ये मजाक नहीं है, सच में हार जाऊंगी। हाँ, हे, ये तुम बिना बात के तब से मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या बात है? क्यों? लगी तो नहीं? संभाल यार, देखकर नहीं कह सकती थी। ठीक है तू? तो ध्यान से, ध्यान से। चलिए, कम ऑन, कम ऑन। ध्यान से। चैंपियन। ब्लू में है रश्मि और रेड में है दीक्षा। फर्स्ट राउंड। बॉक्स। हे रश्मि, अपना गार्ड नीचे मत करो। हे रश्मि। हे बॉस, बहुत बढ़िया। यू इडियट, गार्ड नीचे मत करो। ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, इसे मौका नहीं देना चाहिए था सर। आरुषि,
कसम खा के कहती हूँ गुरु, मैंने जानबूझ के मैच नहीं हारा। गुरु, गुरु, मेरी बात का विश्वास करो। गुरु, लक्ष्मी, उसे छोड़ दीजिए। गुरु, मास्टर सुनिए तो। गुरु, एक कुत्ते को भी जब रोटी खिलाओ तो वो तुम हिलाते हुए वफादारी का इजहार करता है। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, चांस नहीं मिलता है तो रोती हो, और चांस मिल जाए तो मोहब्बत के चक्कर चलाती हो। मुझे लगा तुम बॉक्सिंग चैंपियन बनोगी, अपने आप को तुम में देखता था, बिल्कुल गलत था मैं। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। जाओ यहाँ से, निकलो। जिस कबाड़ से उठकर आई थी वहीं जाकर सड़ो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। Go to hell. चिंता मत करो बेटी, कम से कम ऊपर वाले की दया से लक्स जीत तो गई। वो अब भूत हो गई है, और भूत को किसी से प्यार होता है क्या? हाँ, भावना सिर्फ तुम में है। प्यार तो उसे अपने फैन से है, तुमने उसे धोखा दिया, तुमसे क्या खाक प्यार करेगी? याद है ना, उस कोच ने मुझे 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया था। ये सब कुछ मैंने तुम लोगों से प्यार की वजह से मंजूर किया, वरना मुझे कोई पीने का शौक नहीं है। इस लड़की ने सब कबाड़ा कर दिया। अरे चुप, बकवास बंद करो अपना। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना मैं तुमसे शादी करता और ना ये सब होता। बेकार आदमी, कुछ भी बोल तो सच्चाई तुम ही बता दो ना, क्या ये बेटी मेरी है? लक्ष्मी, नाक पे गुस्सा है इस लड़की के, इसकी वजह से मेरी पूरी इज्जत खराब हो गई, सब लोग थू-थू कर रहे हैं मुझ पे। अरे जाने दो इसे, भूख लगेगी तो छोड़ती हुई घर आएगी। ऐसा नहीं करती बेटी, मेरी बात सुन, मेरे लिए रुक जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूं। लक्ष्मी, जाने दो, मैं जानता हूं ड्रामा है, नौटंकी। रुक जा बेटी। खाना नहीं खाया क्या? Come on! बहुत लकी हो तुम। Good, don't worry. मैंने तुमसे कहा मुझे दिलासा देने के लिए। Come on! मेरी बात ध्यान से सुनो, कल्चरल टूर्नामेंट के लिए रश्मि को मेरे पास दिल्ली भेजो, कहना कि देव ने मौका दिया है। ओके ओके, जरूर सर, मैं रश्मि का नाम अभी लिस्ट में लिख देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। लगता है भाजी वाली को असली खरीदार मिल ही गया। रश्मि, रश्मि, तुम्हें एसोसिएशन में जगह मिल गई है और तुम दिल्ली जा रही हो, वहाँ तुम कल्चरल सेमिनार में फाइट करने वाली हो, देख क्या रही हो? पता है नेशनल कोच देव कतरे ने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। हमारी रश्मि अब चैंपियन बनेगी, चैंपियन। तुम आदि की स्टूडेंट हो ना? तुम्हारे और तुम्हारी बॉक्सिंग के बारे में उसने बहुत कुछ बताया है। रशियन बॉक्सर नटालिया के साथ फाइट करोगी? किसी को भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका नहीं मिलता, किस्मत वालों को ही मिलता है, और तुम बहुत किस्मत वाली हो। कम ऑन। सर, वो रशियन फाइटर तो हैवीवेट कैटेगरी से है और रश्मि लाइट वेट से है, ये कैसे है सर? क्या तुमने 1980 के एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था? 1986 में द्रोणाचार्य अवार्ड जीता था?
इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम के हेड कोच तुम हो या मैं? तुमने जिंदगी में आज तक पाया ही क्या है? हैवी वेट कैटेगरी में तुम लड़ सकती हो या नहीं, बोलो। हाँ कहा ना, लिख के दूं। गुड, ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए एक बॉक्सर में। गुरु कैसे हो जूनियर, अच्छे हो ना? हाँ अच्छा हूँ सर। उस लड़की को चारों खाने चित करवा देना, ठीक है? वो वर्ल्ड चैंपियन है, जीत तो पाओगे नहीं उससे, तो जाओ हाथ पैर ही तोड़वा के आ जाओ। रश्मि कम ऑन, बॉक्स। सर तुझे बुला रहे। हे, आओ अंदर आओ, आओ बैठो। दर्द हो रहा है? दरवाजा बंद कर दो, बंद करो। ये मैच हार गई तो क्या हुआ, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम टैलेंटेड हो। पूरी कोशिश की थी सर। कोई बात नहीं, जाने दो। इस गेम में तुम्हें सेकंड प्लेयर की तरह चांस दिया था, अगली बार मेन प्लेयर की तरह चांस दूंगा। कम ऑन रश्मि, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहां से। ए रुको, इतना मासूम बनने की कोशिश मत कर। आदि सर से भी तो तेरा रिश्ता था ही ना। बकवास मत कर, उसने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। तभी तो छोड़ दिया ना, सिर्फ टैलेंट से ही आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। जाओ जाके अपनी बहन से ज्ञान लो। तेरे पास कहां से आए? एसोसिएशन के पैसे हैं ये? चल पुलिस स्टेशन बताती हूँ तुझे। चल 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 बे, चल सीधी, चुपचाप चल चल। टेकड़ी निकल गई ना सारी, देव सर से पंगा लिया था, अब इस जन्म में तो बॉक्सिंग कभी नहीं कर पाएगी। चल जा, आने में बताती हूँ तुझे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सीधी बात, कैसे मारा बेचारी को?
बिगड़ी रानी की तरह ये छोड़ दो बेचारी को, मर जाएगी वो। से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे आपसे ही ट्रेनिंग लेनी है। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ गुरु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग करनी है गुरु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे कहते ही आ गए, लेकिन आपके लाख रुपए लग गए सर। अगर एक दो दिन और रुक जाते हो तो वो पुलिस वाले 25,000 में भी मान जाते मुझे लगता है। रश्मि को छुड़वाने के लिए मैं 2,00,000 भी देते था। सर सर कैसे सर, मेरे पास खुद के लिए तो वक्त ही नहीं है, दूसरों के लिए क्या करूं है? आप ही ने कहा था ना सर। सर आप महान हैं सर। रश्मि, रश्मि चलो आ जाओ। सारी बीती बातों को भूल जाओ, अब तक तुमने क्वालिफाइंग मैच नहीं जीता है। अगर तुम अगला मैच जीत गई तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगी। अब सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग में कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, समझ गई? सही बोला तूने। अच्छा अरे तू कहाँ डाइट कर रही है? कल देखा मैंने चुप कर तू कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। गुड मॉर्निंग मास्टर। रश्मि ला बैग दे। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं अपना बैग उठा सकती हूँ। मैं तुम्हारी रूममेट को शिफ्ट करवा दूंगा, तुम दोनों साथ रह सकती हो। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है सर, मैं अकेले रह लूंगी। जब देखो तब रश्मि रश्मि यही नाम जपता रहता है वो। ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने उस पे? ये बेचारी वाला एक्सप्रेशन लेके घूम रही है, ऐसा कैसे कर लेती है तू? मुझे भी सिखाना बहन। अगर तू बॉक्सिंग नहीं करेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? वैसे भी तेरा हाथ टूटा समझती क्यों नहीं? मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा जब तूने मेरा जानबूझ के हाथ तोड़ा। अपने टूटे हाथ से ही मैंने फाइट किया और हार गई, लेकिन किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तेरे लिए की थी लक्ष्मी। तो मैंने कुछ नहीं किया क्या? हाँ, खुद को हारा हुआ सा महसूस करने लगी हूँ मैं। छी, नहीं बता के क्या महान काम किया? पुलिस की नौकरी लेकर उस कबाड़ से बाहर निकलना चाहती हूँ, परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार कहा होता मैं हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ देती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। बॉक्सिंग मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बॉक्सिंग करूंगी खुद के लिए और मेरे उस कोच के लिए। मैं लड़ूंगी। बॉक्सिंग करेगी? हाँ? फिर तू मेरे से पहले लड़। लक्ष्मी क्या कर रही? स्टॉप इट। रुक जा, पागल हो गई हो क्या? जाओ यहां से। क्यों, इसे कमरे में लेकर जाना चाहते हो?
रश्मि तुम अपने कमरे में जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उससे जैसे ट्रेनिंग दी वैसी ट्रेनिंग तुमने मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि वो तुम्हारी और मेरी तरह डर के भागने वालों में से नहीं, वो चोट लगने से नहीं डरती। तुम सिर्फ बॉक्सिंग के लिए जीना चाहती हो ना, वो बॉक्सिंग के लिए जान भी दे सकती है। लक्ष्मी तुम्हारी बहन तुमसे बेहतर है, बात इतनी सी। क्या कर रहे हो? वो एक भी मैच नहीं जीत पाएगी। पहले मैच में रेफरी को मारा, नेशनल मैच में बच गई। उसे वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करवाना चाहते हो? कोई तैयारी है या अंदर कोई जान पहचान है? शायद आपको वर्ल्ड कप सिलेक्शन के बारे में जानकारी नहीं। कैसे होगी, दिन भर अपना वक्त मुफ्त का खाना खाने में बिताते हो और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। समोसा देख के खाना, आजकल आलू में कीड़े बहुत होते हैं, पेट में घर बना लेंगे। एक बार अपने आसपास देखो रश्मि, यहाँ हर कोई चाहता है कि तुम हार जाओ, इसलिए कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। तुमने एक छोटी सी गलती भी की तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि पॉइंट्स के बेसिस पे जीतना आसान नहीं। आप क्या चाहते हैं सर? नॉकआउट। बस इतना ही? राइकर और रश्मि आमने सामने। फाइनल्स में पहुंचकर अपने हुनर को साबित कर दिया है। वाइजेक की सब्जी बेचने वाली रश्मि की 3 times वर्ल्ड चैंपियन नतालिया से टक्कर होगी। आप पिछली बार नतालिया से हार गई थी, तो इस बार आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगी? वो पुरानी बात थी, लेकिन आज मेरे साथ आदि सर हैं और अब मैं कोई मैच नहीं हारूंगी। जनता किसी चमत्कार के इंतजार में है, युवा खिलाड़ी रश्मि और नतालिया की मैच को लेकर। जाओ जाओ,
प्रैक्टिस करो। अरे सुनिए, सुनते हो क्या? ये तार का पेड़ नहीं बिजली का खंभा है, आपको शॉक लग जाएगा। नीचे उतरिए, जल्दी उतरिए। लक्ष्मी हार गई है, उसने फोन करके बताया था, बहुत रो रही थी। अब छोटी वाली का मैच होने वाला है वहाँ, उसी को टीवी पे देखना है, इसीलिए ये तार जोड़ रहा हूँ मैं। हाँ। करो करो, मैं बस्ती में सबको बता के आती हूँ। चाची चाची, रश्मि का बॉक्सिंग मैच टीवी पर आने वाला है, चलिए। बेटा सुन, रश्मि का मैच आने वाला है, चल। नेक्स्ट रश्मि, इंडिया लाइटवेट। लिस्ट में आपका नाम नहीं है। योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। नेक्स्ट सर। क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? हर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। व्हाट डू यू मीन द नेम इज नॉट इन द लिस्ट? इसने सेमीफाइनल जीता है मैम। एसोसिएशन से जाकर पूछो। नेक्स्ट। तुम यही रुको, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। देव जरा हटना। देव, रश्मि का नाम लिस्ट में क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? दोस्तों, हम 5 मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जो चाल तूने मेरे साथ चली थी वो अब दोबारा चल रहा है। रश्मि ने सेमीफाइनल्स जीता है, फिर उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? सितंबर 1996 ओलंपिक सिलेक्शन हिसार, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, याद है? 14 अगस्त 2001 नेशनल मीट चंडीगढ़, प्रेस के सामने तुमने कहा मुझे बॉक्सिंग आती ही नहीं। 28 जनवरी, ये सब पुरानी बातें हैं देव, इन सब बातों को लेकर उसकी जिंदगी खराब मत कर। घाव तो ठीक हो गया आदि, पर उसके जख्म अब तक यहाँ है। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, कल के डोप टेस्ट में रश्मि फेल होने वाली है। इसके बाद तुम्हारी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तेरी दुश्मनी मुझसे, बदला उससे क्यों ले रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो फेल होगी तो आदि भी फेल होगा ना। ओ, क्या हुआ, फिर से थप्पड़ मारेगा? प्लीज देव, वो बहुत अच्छी बॉक्सर है, उस पर अपनी खुन्नस मत निकाल। कहां तू और तेरी पावर, और कहां वो और उनकी हैसियत। वो गरीब लोग हैं देव, ये बात मेरी और तेरी नहीं है, ये बात है देश में वुमेन्स बॉक्सिंग की। ये बात तेरी और मेरी ही है आदि, बॉक्सिंग मेरी जान है, तो इससे जुड़ा सारा मान सम्मान भी मुझे ही चाहिए। तुम वो मुझसे छीन लो ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे, अब मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जाओ यहां से। रश्मि को फाइनल्स में शामिल करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देव बोलो, इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? तुमसे पूछ रहा हूं। रिजाइन कर दो। अब उसे रोकना मत। आदि यहां आओ। आईडी वापस करो। आज से तुम कोच नहीं हो। अगर फेडरेशन के आसपास भी गए, या स्टेडियम के आसपास, या उससे मिलने की भी कोशिश की, तो मैं उसे डिस्क्वालिफाई कर दूंगा। समझ गए ना? आदि, अपना सारा गुस्सा छोड़ के तुम मेरे सामने झुक गए, क्या वो इतनी मजेदार है? इस देश में जो टैलेंट छुपा है उसकी कीमत तू क्या समझेगा? देश को मेडल दिलाने के लिए मैं किसी के भी पैरों पर नाक रगड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये सब तेरी समझ से परे है, क्योंकि तेरी रग रग में बेईमानी भरी हुई है। शर्म आनी चाहिए तुझे देव, इन हाथों में आज भी उतनी ही ताकत है, आजमा के देख लेना। Thank you.
अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो आओ आओ आओ। आदि सर कहाँ है? लाओ वो मुझे दो। सर क्यों नहीं? तुम वहां जाके बैठो। एक्सक्यूज मी, गिव इट टू मी, आई विल गिव इट बैक टू यू। इधर आओ। सर कहाँ है? यहाँ खड़ी हो जाओ। पहले बताओ सर कहाँ है? तुम्हारे मास्टर ने रिजाइन कर दिया है, अब देव सर ही तुम्हारे कोच है, समझी? मास्टर नहीं आएगा। सब्जी बेचकर इधर उधर घूमकर मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश थी। तुमने मुझे पैसे भी दिए और ट्रेनिंग भी, और मेरा फोकस ही बदल दिया। अब मुझे यहां तक पहुंचा के मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? हाँ, ये मेरा सबसे जरूरी मैच है सर। हाँ, आप बहुत बुद्धिमान है सर, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा। क्या बात है बताओ मुझे प्लीज, क्या मुझसे फिर से कोई गलती हुई है सर? बोलिए ना सर, मुझे बताइए सर, बताइए बताइए, क्या बात है, क्या बात है? रश्मि मेरी बात सुनो, एक घंटे पहले जब मैंने रिजाइन किया तो मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बॉक्सिंग मेरी भी जिंदगी है। तुम इस तरह मुझे मायूस नहीं कर सकती। जाओ, इस गुस्से को रिंग में दिखाओ। रश्मि अपने अंदर के योद्धा को पहचानो जिसे मैंने देखा। तुम्हें लड़ना होगा करोड़ों देशवासियों के लिए जो भारत की बेटी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। लड़ना होगा तुम्हें। जाओ जाओ। ठीक है सर, मैं जरूर लड़ूंगी। पर एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी जान से भी प्यारी बॉक्सिंग को आपने मेरे लिए यूं ही छोड़ दिया और अकेले हो गए। ये प्यार नहीं है तो और क्या है सर? कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंच पाएगा। मुझे हंसी आती थी अगर कोई इंडिया के वर्ल्ड कप में जाने की बात करता था, लेकिन आज वही बातें सच हो चुकी है, क्योंकि हमारी युवा खिलाड़ी रश्मि ने हमारा सपना सच कर दिया है। और हमारे सामने है रशियन डिफेंडिंग चैंपियन नटालिया राइकर, जिसे हारना नहीं आता। वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है और हाल ही में हुए मैच को कोई भूल नहीं पाया होगा, जब नटालिया ने रश्मि को 8 सेकंड में नॉकआउट किया था। रशियंस कमाल के गेम प्लानर होते हैं। नतालिया पहले हेवी वेट कैटेगरी से थी, लेकिन उन्होंने अपना वजन कम किया ताकि वो लाइट वेट कैटेगरी से खेल सके। विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइनल, ये है लाइट वेट कैटेगरी। रेड कॉर्नर में है भारत की तरफ से रश्मि, और ब्लू कॉर्नर में रशिया की तरफ से खेल रही है नतालिया। फर्स्ट राउंड बॉक्स। व्हाट अ पावरफुल हुक। रश्मि का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। कोई बात नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास है हमारी रश्मि ही जीतेगी, उसे कोई नहीं हरा सकता। सर उसके पास पावर है, स्टाइल है, सब कुछ है, पर पता नहीं आज क्या हो गया है उसे। नतालिया पॉइंट स्कोर कर रही है रश्मि का हर डिफेंस तोड़कर। ये मैच नहीं, बिल्कुल मिसमैच है। मत करिए, आप जाइए सर, वो आपकी स्टूडेंट है, आप उस देव की खटिया धमकी से डर नहीं सकते। सारी लड़कियां आपकी उस भागी हुई पत्नी की तरह नहीं होती है, आप इन्हें समझाइए ना। सॉरी हम तो मिले ही नहीं, मैं हूँ पॉन्ट्स, पंच पॉन्ट्स, वाइजाग में जूनियर कोच था। और आप जिस लड़की की बात कर रहे हो उसे मैंने ही गोद लिया है। अब...
रश्मि पे नतालिया ने पंचेस की बौछार कर दी है। नतालिया काफी अच्छी खेल रही है। ओ, ये तो बहुत ही अच्छा हुक था। ऊपर वाले का शुक्र है, रश्मि आज बेल बजने की वजह से बच गई। क्यों नहीं जा रही? ज्यादा अटैक करो, कुछ समझी कि नहीं? आदि सर आए क्या? नहीं, वो नहीं आएगा। तुम बिल्कुल सही खेल रहे हो, अपना गेम चेंज मत करना। नतालिया 7 अंकों से अभी भी लीड कर रही है। रश्मि के लिए मैच हाथों से निकलता जा रहा है। रश्मि नतालिया से लड़ नहीं पा रही है और उनका कोई स्कोर भी नहीं है। देखते आगे क्या होता है। जिता देना उसे। हे भगवान जिता देना मेरी बेटी को। मेरी बेटी को जिता देना। मेरी बेटी को जिता देना भगवान। मेरी बेटी को जिता देना। सेकंड राउंड, सेकंड राउंड बॉक्स। रश्मि को इस राउंड में अंक हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर उसने अंकों को हासिल नहीं किया तो भारत का जीतना लगभग नामुमकिन है। अरे नहीं, ये क्या, एक और हुक सीधा रश्मि के सर पर। एक बार बेल ने रश्मि की जान बचाई और इसी के साथ सेकंड राउंड खत्म हो गया। रश्मि चोट लगने की वजह से काफी थक चुकी है, क्या वो अगला राउंड खेल पाएगी? सिक्योरिटी स्टैंडिंग। रश्मि को काफी गहरी चोट आई है। डॉक्टर की जांच के बाद अगर वो अनफिट घोषित हुई तो उन्हें गेम छोड़ना होगा। भारत की जीत के बीच काफी गंभीर माहौल है। रश्मि को काफी गहरी चोट आई है। काफी गंभीर माहौल है। Fantastic, right hook!
चंगेज खान एक बात अच्छी तरह से जानता था, अगर जंग जीतनी हो तो शत्रु के हथियार को तबाह कर दो, और अगर शत्रु के पास हथियार ही ना हो तो हमारी जीत आसान हो जाती है। वो रश्मि नतालिया के हाथों पर वार क्यों कर रही है? बेशक उसे पॉइंट्स नहीं मिल रहे, लेकिन मैच उसके कंट्रोल में है। लगता है वो जानती नहीं कि हाथों पर वार करने से पॉइंट्स नहीं मिलते। This is ridiculous. नतालिया पहले से ही जीत के करीब है, और फिर रश्मि नतालिया के हाथों पर क्यों मारे जा रही है? क्यों समय बर्बाद कर रही है? और फिर से नतालिया का एक स्ट्रेट पंच। रश्मि ऐसा क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नतालिया को 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले उसे हरा चुकी हो, आखिर कर क्या रही हो? जैसी नहीं रही, वो बदल गई है। बकवास है ये। देखो तुम आगे चल रही हो, थोड़ा संभल कर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। बस अटैक करती रहो, ठीक है? हाथ पे मारने का क्या फायदा? फेस। एक बात याद रखना, अब कोई भी गलती मत करना, ठीक है? जा फोड़ दे, जा। सेकेंड्स आउट, फोर्थ राउंड। बॉक्स। चेहरे पे मार। राउंड और आखिरी 50 सेकेंड्स। इतने कम समय में क्या रश्मि कुछ कर पाएगी? क्या रश्मि ने अपना गार्ड नीचे कर दिया है? रश्मि पहले से ही काफी थकी हुई है, और वो समझ चुकी है कि ये जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सभी भारतीयों ने इस मैच से मेडल की उम्मीद लगाई थी, अब उनका दिल टूट गया है।
खिलाड़ी, हमारी नई वर्ल्ड चैंपियन भारत से रश्मि, ये नई लाइटवेट कैटेगरी चैंपियन है। हमारी रश्मि जीत गई सर, रश्मि। What a victory! काफी ऐतिहासिक मैच रहा ये। क्या स्ट्रेटेजी है, जिसे पिछले 3 साल से कोई नहीं हरा पाया, उसे वैसा की एक लड़की ने सीधा नॉकआउट करके हरा दिया। खुद का एक नया इतिहास रचा, खासकर फाइनल राउंड में। फैंटास्टिक, फैबुलस राउंड। यह आखिरी राउंड भारत के बॉक्सिंग इतिहास में 4 चांद लगाने वाला था, और हमेशा इस बात पर हमें गर्व रहेगा। ये मैच हमेशा हर भारतीय के दिल में यादगार रहेगी। आज रश्मि ने ये बात को साबित कर दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुमने सही कहा था, मुझे माफ कर दो। मैंने तो पहले ही कहा था, बॉक्सिंग से राजनीति निकाल दो तो हर गली में चैंपियन निकलेगा। आज मेरी स्टूडेंट ने भारत का नाम रोशन किया है। यस, ये मेरी स्टूडेंट है।